नमस्कार पंडित जी, मैं yatradham.org से मानसी त्रिवेदी, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, चकाचक होकर कृपा। हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिएगा। मैं भुवन चंद्र उनियाल, धर्माधिकारी, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, बद्रीनाथ धाम। आज हम आपसे बद्रीनाथ मंदिर के बारे में बात करना चाहते हैं। अभी चार धाम की यात्राएं शुरू होने जा रही हैं, तो भक्तों की भारी भीड़ बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आएगी। तो आज हम खास इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं कि मंदिर खुलते समय और मंदिर बंद करते समय कौन कौन सी विधियां की जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे मंदिर के बारे में कुछ प्राथमिक जानकारी जानना चाहूंगी। भगवान बद्रीनाथ जी का मंदिर है, वस्तुतः देश के चार कोनों में चार धाम, पूरब में जगन्नाथपुरी उड़ीसा, पश्चिम में द्वारका ये गुजरात, दक्षिण में रामेश्वरम तमिलनाडु और उत्तर में बद्रीनाथ। और आपको बताएं कि व्यक्ति के जीवन में चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार। तो धर्म के लिए लोग जगन्नाथपुरी की शरण जाते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र है। अर्थ प्राप्ति, अर्थ सिद्धि के लिए भगवान शंकर के पास रामेश्वरम, अर्थ के जितना आस्तुस हैं। और जीवन में काम आ जाए तो वो द्वारका, 16108 का ग्रस्त भगवान कृष्ण का, फिर भी नक्षत्र भगवान कृष्ण है, कहीं कोई झगड़े नहीं है। और मुक्ति जो अंतिम आश्रय व्यक्ति का है वो बद्रीनाथ, मोक्ष के लिए बद्रीनाथ, ये मोक्ष धाम है। लोग अपनी मुक्ति की भी कामना करते हैं और विशेष रूप से अपने पितरों की मुक्ति के लिए बद्रीनाथ आते हैं। बद्रीनाथ मंदिर जहाँ पे स्थित है उस जगह के बारे में थोड़ा बताइए। भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर ये उत्तर भारत में उत्तराखंड, उत्तराखंड में हरिद्वार से लगभग 340 किलोमीटर ऊपर एकदम गंधमादन की उपत्यका में भगवान बद्रीनाथ जी विराजमान है। भगवान बद्रीनाथ जी चतुर्भुज पद्मासन में विराजमान है और गंधमादन की जो उपत्यका है ऊपर से शेष नाग जैसी पहाड़ी भगवान के ऊपर छाया किए हैं। कितना भी ग्लेशियर आ जाए कभी मंदिर को और नुकसान नहीं होने देते हैं शेष नाग जी। और इसके साथ ही भगवान के श्री चरणों में तप्त कुंड है जहाँ यात्रीगण स्नान करते हैं। बड़ा लाभ ठंड के समय में ऐसा सुंदर गर्म पानी, ओह, इसी के पास में नारद कुंड है, अलकनंदा है। और मुख्य रूप से जय सर्वाणी तीर्थानी काले काले युगे युगे बदरिम भगवान विष्णु नमुंचति कदाचन। शास्त्र कहता है अन्य अन्य अवतार में, रामावतार में भगवान राम आए कार्य सिद्धि हुई लौट गए, कृष्णावतार में भगवान कृष्ण आए कार्य सिद्धि हुई लौट गए, बुद्धावतार में भगवान बुद्ध आए कार्य सिद्धि हुई लौट गए, लेकिन बदरिम भगवान विष्णु नमुंचति कदाचन, बद्रीनाथ छोड़ के भगवान गए हो ऐसा कहीं नहीं शास्त्रों में मिलता है। शास्त्र तो प्रतिपादन करता है, मोहर लगाता है कि योद्धा पिचास्त ऋषिवर दिशे वितांग्री नारायण नरसिंह प्रवर प्रशांत अद्य अपि अस्ति, अर्थात आज भी विराजमान है, भगवान तप कर रहे हैं। ये उत्तराखंड में और चमोली जिला, चमोली जिले के ठीक ऊपर बद्रिकाश्रम बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र है, भगवान तपस्या कर रहे हैं। बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना के बारे में और उसके इतिहास के बारे में काफी कथाएं जुड़ी है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बद्रीनाथ मंदिर, जैसे अभी हमने आपसे चर्चा की कि चार धाम है और चार युगों के प्रतीक है, सत्युग में बद्रीनाथ जी, त्रेता में भगवान राम हुई, रामेश्वरम की स्थापना हुई है, द्वापर भगवान कृष्ण, द्वारका और कलयुग जगन्नाथ जी, जय जगदीश जगन्नाथ। तो सतयुग से भगवान की तपस्या चली आ रही है। शास्त्र कहते हैं पुराक यादव सर्वभूतिकाय च मूर्तिमान भगवान तपोयोग समास्तः, अर्थात सतयुग में भगवान साक्षात दर्शन देते थे और सतयुग के प्राणी साक्षात भगवान से वार्तालाप भी करते थे। तब धर्म चार चरणों से था, कहीं दम नहीं, पाप नहीं, झूठ नहीं। तो वही व्यक्ति बद्रीनाथ
आते थे, भगवान से वार्ता भी करते थे। त्रेता युगे ऋषि गणी, त्रेता में सबको दर्शन नहीं हुए, धर्म का एक चरण व्यक्ति के जीवन से घट गया, चला गया। तो ऋषि गणी, ऋषि मुनि महात्माओं ने साक्षात दर्शन किए, सर्वसाधारण को दर्शन नहीं हुए। और द्वापरे शमन प्राप्त योग निष्ठो ही दुर्लभा, द्वापर के जाते जाते योगी ऋषि महात्मा भी दर्शन नहीं कर पाए। अब दर्शन नहीं तो ऋषियों ने एक मीटिंग की, एक सभा की और भगवान विष्णु के शरण में गए, क्षीर सागर में। बाबा आपने बद्रीनाथ छोड़ा है? बोले बद्रीनाथ छोड़ा नहीं है, मैं नित्य बद्रीनाथ में निवास करता हूँ। बोले दिखते नहीं? बोले अब साक्षात नहीं दिखूंगा। गृहत्वम मामकी मूर्तिम शैलीम नारद कुंडगाम, नारद कुंड में मेरा दिव्य विग्रह है, उसके रूप में मैं दिखाई दूंगा। सारे देवता बद्रीनाथ आए, ब्रह्मा जी साथ में थे और अलकनंदा के गर्भ में सप्तकुंड के नीचे एक नारद कुंड है, नारद शिला के नीचे, वहां से भगवान का स्त्री विग्रह उठाया, उठा करके मंदिर में स्थापना की। ये सत्युग की बात थी। ये जब भगवान साक्षात दर्शन देते थे और मूर्ति स्थापना की बात आती है द्वापर के अंत में, लगभग आज से 6,500 साल पहले की बात हम करते हैं। मूर्ति की पूजा चलती रही। बीच में एक काल ऐसा आया कि कुछ विधर्मी लोग उस तरफ से, अर्थात तिब्बत की ओर से आए, जिन्होंने सनातन धर्म का विरोध किया, जिन्होंने मंदिरों का विरोध किया। ये लोग बद्रीनाथ मंदिर तक आए और यहाँ सेना नहीं होती थी, यहाँ तो तपस्वी लोग होते थे, सेना राजा के पास देहरी में, तो ऋषिकेश के पास। तो कैसे मूर्ति बचाए? सबसे महत्वपूर्ण चीज मूर्ति थी, वहां के पुजारी ने मूर्ति उठा करके और नारद कुंड में पुनः डाल दी सुरक्षा के लिए, ताकि कोई तोड़े नहीं। बहुत धर्म चला गया, ये लोग चले गए, भगवान शंकराचार्य जी अवतरित हुए। इसके पूर्व देवता लोग शरण में गए भगवान शंकर के। बाबा एक बार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से स्थापना की, स्वयं की मूर्ति कोई कैसे स्थापना करे, अब आपका कर्तव्य बनता है। भगवान शंकर तैयार हुए, शंकर शंकर साक्षात शिवो नारायण हरहा, बोले हम स्थापना करना चाहते हैं। तो अतो हम यति रूपेण तीर्थात नारद संघ का तृतीय स्थापयिष्यामी हरिम लोकेति इच्छया, अब मैं स्थापना करूंगा। और वही भगवान शंकर शंकराचार्य के रूप में और केरल हल्डी ग्राम में प्रकट हुए, आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में इनका जन्म हुआ। और जब मात्र 11 वर्ष की अवस्था इनकी थी, इस 11 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य और पैदल मार्ग होते हुए बद्रीनाथ आए। गत्वे एकादश वार्षिको बद्रिकारण्येषु पुण्याश्रमैः, 11 वर्ष की अवस्था में बद्रिकाश्रम आए, भगवान के उस सुंदर दिव्य विग्रह को उठाया जिसमें न आंख रह गई, न नाक रह गया, न मुंह रह गया, मूर्ति का विग्रह अधिक समय तक पानी में मूर्ति रह गई, कई युग तक रह गई। तो बोले बाबा इसमें कुछ दिखता नहीं है, और भगवान को आकाशवाणी सुनाई थी शंकराचार्य जी को कि बाबा यही मूर्ति स्थापना कर दो, इस मूर्ति में जो कहेगा ब्रह्म है उसको ब्रह्म दिखेगी, जो कहेगा शिवजी है उसे शिवजी की रूप मंडल दिखेगा, जो कहेगा गणेश है उसे सोमवी दिखाई देगी, जो कहेगा कि मेरे नरसिंह है उसे नरसिंह के रूप में दो हाथ उठे हुए दिखाई देंगे, जो कहता है साक्षात और विष्णु है उसे विष्णु के रूप में दर्शोगे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त ने दिखी तैसी, तुलसीदास के शब्द है राम के दर्शन के समय। ऐसे ही वहां पे और एक दृश्य आया कि ऐसी ही मूर्ति स्थापना करो, और उस मूर्ति को स्थापना की। यद्यपि इसमें सुंदर आंखें नहीं, सुंदर नाक नहीं, वो नहीं, लेकिन भगवान जटामंडल दिव्य दिखता है, चतुर्भुज दिखते हैं, दो हाथ भगवान कैसे संघ खड़े हैं, इसमें शंख चक्र नहीं, अपित तपस्वी वेश में भगवान बैठे हुए हैं और दो हाथ भगवान के इस प्रकार नीचे पद्मासन में रखे हैं, भगवान अर्ध पद्मासन में बैठे हुए हैं और तप कर रहे हैं। इस मूर्ति की स्थापना की और फिर पूजा परंपरा प्रारंभ की, अपने ब्रह्मचारी सन्यासियों को पूजा परंपरा में और दीक्षित कर दिया। पहाड़ का क्षेत्र है, एक समय ऐसा आया होगा न शंकराचार्य रहे 165 साल, न उनके कोई शिष्य रहे, कोई चेला रहे, तो गढ़वाल नरेश ने व्यवस्था की कि उनके इष्ट हैं, तो उन्होंने व्यवस्था की यहाँ पे जा करके, और पुजारी की व्यवस्था केरल प्रांतीय नमूद्री ब्राह्मण, प्रथम नमूद्री ब्राह्मण जो दंडी सन्यासी के बाद परंपरा में आए हैं, ये गोपाल नमूद्री, और तब से एक परंपरा वहां की चल पड़ी। कई 100 वर्ष हो गए, आज भी परंपरा चल रही है, आज भी नमूद्री लोग ही वहां पे रावल यानी मुख्य पुजारी बद्रीनाथ जी के, और आज भी वही मूर्ति को स्थापन या स्नान या चंदन लेप आदि कर सकते हैं, शेष उनके साथ
डिमरी समाज के लोग होते हैं और शेष हम लोग भी साथ में हैं। शाम सुबह की पूजा भगवान जब पाते हैं तो हमारी भी वहाँ पे उपस्थिति रहती है, बड़े आनंद से भगवान की पूजा होती है। पूजा परंपरा बढ़ गई, षण मासम देवते ही पूजा, षण मासम मानवी तथा छह महीने देवता पूजा क्या करें, छह महीने मनुष्य रूप पूजा क्या करें, कौन सा काल शीत काल ठंडा हो जाए बहुत तब जब का काम है कि सूर्य होया कि वृश्चिक सूर्य लग जाए, यानी 15 और 16 नवंबर के आसपास भगवान सूर्य नारायण वृश्चिक राशि में जाते हैं। बस उसके बाद 15 दिन के भीतर यानी 15 नवंबर के बाद और 30 नवंबर तक कपाट बंद हो जाने चाहिए ऐसा शास्त्र कहता है। और पुनः वैशाख में भगवान किसी तरीके होते हैं, इस वर्ष वैशाख यानी अप्रैल जाते जाते और मई में 8 मई को भगवान बद्रीनाथ जी कपाट खुल रहे हैं। देवता लोग देवता लोग चले जाएंगे और फिर आपका हमारा यानी भक्तों का अधिकार होगा तो छह महीने पूजा किया करें, षण मासम देवते ही पूजा, षण मासम मानवी तथा छह महीने देवता, छह महीने सुंदर परंपरा है। मैं तो समझता हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, लगभग 40 वर्ष से मैं वहाँ पे धर्माधिकारी, और जब देवताओं को हम परंपरा देते हैं, पूजा परंपरा देते हैं या देवताओं से पूजा परंपरा देते हैं तो देवताओं मनुष्य का सम्मान वहाँ पे मुझे देखने को मिलता है, बड़ा आनंदित मन होता है। जी बहुत बढ़िया, आपने बताया सारे इतिहास के बारे में आपने बताया, जैसे कि हर युग में बद्रीनाथ के मंदिर का उल्लेख किया गया। आपने अभी तारीखों के बारे में बताया तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये तारीखें किस प्रकार से नक्की की जाती है कि कभी द्वार खुलेंगे और कभी द्वार बंद किए जाएंगे, ये तारीखें किस प्रकार तय करी जाती है, क्या उसके लिए कोई खास विधि होती है? बिल्कुल, कपाट बंद करने की जो तिथि होती है वो तिथि का प्रस्तुतिकरण भगवान के सामने मेरा होता है, मेरा अर्थात धर्माधिकारी जो व्यक्ति हो, मैं वर्तमान में धर्माधिकारी वहां पे, तो मैं ही पंचांग खोल के दिन देखता हूँ कि आज भगवान सूर्य वृश्चिक राशि में गए हैं, आज 16 नवंबर है या 15 नवंबर है, और उसके बाद 15 दिन की परंपरा यानी 30 नवंबर तक की परंपरा, और मैं दिन प्रस्तुतिकरण करता हूँ एक एक करके। वहाँ पे विद्वत समाज होता है, महात्मा होते हैं, राहुल होते हैं, सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, और उसमें मैं 2 या 3 दिन पे चर्चा करता हूँ, फिर उसमें सभी लोगों की जैसी सम्मति रही तब अनुसार कपाट बंद होते हैं। तो इस प्रकार मैंने इस वर्ष भी कपाट बंद किए थे, तो 20 तारीख नवंबर कपाट बंद हुए थे जब हम नीचे आए, और 24 तारीख तक हमने सुना था कपाट बंद हुए हैं, लेकिन मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा समय था जब मैं वहां पर 15 दिन के पंचांग दिन के दिन निश्चित करा था, और मेरे निश्चित किए हुए दिन में कपाट बंद हुए 27 नवंबर, पहली बार 27 नवंबर तक कपाट खुले रहे, उसके पहले 27 नवंबर को दिन गया नहीं। 2014 का साल था, उस साल 27 नवंबर तक कपाट खुले रहे, भगवान की सुंदर पूजाएं हुई, और मनुष्यों का अधिकार 30 नवंबर तक है, तो ये अधिकार मेरा है यानी धर्माधिकारी का है वहां पे भगवान का दिन कपाट और बंद करने का। अब विजयादशमी के दिन मीटिंग होती है, बैठक होती है, दरबार लगता है, उस दिन ये निश्चित किया जाता है तमाम सारी पब्लिक के सामने, तमाम धर्म के लोग बैठे होते हैं, और जब कपाट खुलने की तिथि आती है, ये तिथि बसंत पंचमी के दिन महाराजा टेरी, अभी नरेंद्र नगर में महाराजा टेरी का दरबार है, पहले राज परंपरा थी, राजा लोग आज प्रतीक के रूप में है, और परंपराएं आज भी निश्चित रूप से यथावत चल रही है। वहां पे महाराजा टेरी और वहां पे बैठने वाले उनके पंडित वहां भी श्री कृष्ण प्रसाद उनियाल जी हैं, मैं भुवन चंद्र उनियाल, वो कृष्ण प्रसाद उनियाल जी हैं, वो राजा साहब को उनकी कुंडली और भगवान बद्रीनाथ जी की कुंडली को देख करके दिन निश्चित करते हैं, और ये दिन लगभग निश्चित किया जा रहा है कि गंगोत्री जमुनोत्री केदार के बाद बद्री खुदने की परंपरा कुछ वर्षों से चल पड़ी है, तो पहले गंगोत्री का दिन निश्चित होता है, पूर्व निश्चित अक्षय तृतीया इस वर्ष 3 मई, उसके बाद गंगोत्री वो भी अक्षय तृतीया 3 मई इस वर्ष 2022 के साल, फिर बद्रीनाथ की परंपरा ये बसंत पंचमी के दिन बैठते हैं, तो राजा के यहाँ दिन निश्चित हुआ 8 मई 2022। अब बीच में केदारनाथ जी छूट जाते हैं, तो गंगोत्री जमुनोत्री और बद्रीनाथ जी के बीच में जो अच्छा दिन हुए शिवरात्रि के दिन, वो दिन भी हम निश्चित करते हैं,
ऊखी मठ में भगवान शंकर के चरणों में, और वो दिन निकला इस वर्ष 6 मई। तो 3 मई को गंगोत्री जमुनोत्री दोनों मंदिर खुलेंगे और पुनः 6 मई को केदारनाथ जी के दर्शन होंगे और फिर 8 मई प्रभात में भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुले जाएंगे। ये परंपरा है, इनका निरंतर निर्वहन सुचारू रूप से निर्वाध रूप से चल रहा है। और जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तब कौन सी विधियां की जाती है, क्योंकि अभी यात्रा शुरू होने जा रही है, तभी भक्त सब सबका ऐसा आग्रह होता है कि जब कपाट खुले तब हम पहले दर्शन करें, तो ये विधियां क्या होती है? ये परंपरा है, जैसे ही जोशी मठ से भगवान की गद्दी उठती है, यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य जी गद्दी है, गद्दी यहाँ से इस वर्ष 6 तारीख को और लगभग 9 और 10 बीच यानी पूर्वान्न में यहाँ से गद्दी और गद्दी के साथ गरुड़ जी जोशीमठ होते हैं जो बद्रीनाथ मंदिर के अंदर हैं, तो यहाँ से जाएंगे पांडुकेश्वर, एक विश्राम गद्दी का गरुड़ जी का पांडुकेश्वर में, तत्पश्चात अगले दिन यानी 7 तारीख को गद्दी गरुड़, साथ में कुबेर जो पांडुकेश्वर में, उद्धव जो पांडुकेश्वर में, ये साथ में चलेंगे और बद्रीनाथ पहुंचेंगे 7 तारीख को सायंकाल, और 8 तारीख प्रभात की बिला जैसे 6:15 का समय में डेरी राज दरबार में निश्चित करके मिला है, हम भी उस मीटिंग में बैठे हुए थे, तो 6:15 पर राजा के प्रतिनिधि आते हैं जो, और प्रथम चाबी उस दिव्य दरवाजे में लगाते हैं भगवान के दरवाजे में, तो नौटियाल लोग होते हैं, राजगुरु बोलते हैं इनको, राजगुरु नौटियाल, राजा का प्रतिनिधि, पहली चाबी, उसके अतिरिक्त 2 चाबियां और होती हैं जो पांडुकेश्वर के हकुकधारी लोग हैं, ये दूसरी चाबी लगाते हैं, भगवान के कपाट खोलेंगे श्रीमान रावल जी, और इसके पीछे तिमरी, उसके पीछे स्वयं में मैं और कुछ लोग भीतर प्रवेश, और इसी के साथ भीतर दूसरा दरवाजा होता है जिसकी चाबी हम डिमरी लोगों को देते हैं, मेरे हाथ से चाबी दी जाती है, और भगवान का निज द्वार भीतर चांदी का दरवाजा बोलते हैं वो खुलेगा, दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। 6 महीने की भीड़ है, और इस साल तो हम कहें 6 महीने नहीं, विगत 2 वर्षों की भीड़ है, कोरोना काल में लोग आ नहीं पाए, बहुत भीड़ होगी तथा व्यवस्था होगी, अंदर लोग जाएंगे दर्शन करेंगे, कदाचित उस भीड़ में, मैं पब्लिक से कहना चाहता हूँ, कदाचित उस भीड़ में आप भगवान को देख पाए न पाए, कितनी भीड़ होगी, लेकिन आप मंदिर के अंदर आए, आपकी हाजिरी जरूर लग जाएगी, भगवान जरूर आपको देख लेंगे, इसमें कोई दुराय नहीं, सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद शास्त्र हजारों आंखें तो भगवान की हैं, और भगवान आपको देख लेंगे, आइए जरूर, 2 साल से आप भी तड़प रहे हैं और बद्रीपुरी भी आपको देख लेंगे, आइए दर्शन कीजिए। जी बिल्कुल, और एक मान्यता है जो मैंने सुनी है कि जब भगवान जी के कपाट खुलते हैं तब एक दिया जो अखंड दिया है वो प्रज्वलित मिलता है, तो 6 महीने में कैसे ये दीपक प्रज्वलित रहता है? पुरानी परंपरा है, बड़ा सा दीपक है, ये बड़े पात्र में रखा जाता है, इसके लिए गैस स्टेशन निकलने के लिए भी जगह वहाँ पहले से बनी हुई है, जहाँ से भगवान के स्थान के जल आदि निकलता है यहाँ से, और ये जला दिया जाता है, लगभग 6 माह के लिए इसमें जी की व्यवस्था रहती है, बाती की व्यवस्था रहती है, और जब तक आज तक हमने देखा, हमने जलते हुए दीपक को देखा, तो उस देर भगवान के सामने बहुत भीड़ हो जाती है, दीपक देखने मारा मार होती है, तो दीपक हम पब्लिक के बीच में जाते हैं, अब परिक्रमा के पास पब्लिक उसके दर्शन करती है, लगभग कपाट खोलने के 1-2 घंटे बाद हम बाहर देते हैं, नहीं तो बाहर बहुत मारा मारी हो जाती है लोगों की दीप दर्शन के लिए, लेकिन आज तक के जीवन में मैंने देखा है। और एक बात है जो जब कपाट बंद होते हैं तब भगवान बद्रीनाथ जी को ध्रुत कंबल उड़ाया जाता है, वो ध्रुत कंबल है वो कपाट खुलने के बाद भी हमें तर अवस्था में मिलता है, उसका क्या रहस्य है? बिल्कुल, ध्रुत कंबल माणा की बालिकाएं एक ही दिन में उनको धोती हैं, काटती हैं, बुनती हैं और कंबल की पट्टियां बना बना के मंदिर को देती हैं, कपाट बंद के दिन घी का लेप, उसके ऊपर कंबल यानी घृत कंबल कहते हैं, वो भगवान को पहनाई जाती है, और जब कपाट खुलता है तो वो घृत कंबल निकालते हैं हम, अर्थात रावल जी, उन्हीं का अधिकार है मूर्ति छूने का, और जब घृत कंबल निकलता है तो अंदर घी दिखा जाता है कितना है, मूर्ति सरसब्ज है या सूखी है या कैसी है,
और विद्वान लोग वहां पे अनुभव करते हैं कि ये साल कैसा रहेगा। सूखा है तो यात्रा में या देश में तकलीफ रहेगी, सरसब्ज है तो बताते हैं अच्छा रहेगा, ऐसे कुछ महात्मा बैठते हैं, हम लोग साथ में बैठते हैं, उसका कुछ अध्ययन करते हैं। जी बिल्कुल, जब कपाट बंद किए जाते हैं तभी बद्री पंचायत में लक्ष्मी जी को पहुंचाया जाता है और साथ में वहां से उद्धव जी और कुबेर जी की मूर्तियों को बद्री पंचायत से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, षण्मासम देवदेव पूजा, षण्मासम मानवता, बद्री अर्थात साक्षात लक्ष्मी को ही बद्री कहा है, बद्री नाम लक्ष्मी का। लक्ष्मी ने बेर के पेड़ के रूप में छाया की अमृतम स्रवते याही बद्री तद्युगतः, बद्री कथ्यति प्राक्य ऋषिणाम यत्र संचयः। संस्कृत में बेर को बद्री कहते हैं, बद्री वृक्ष वाली लक्ष्मी सेवा की और उस बद्री वृक्ष के नीचे बैठ करके न भूख लगे न प्यास लगे न तकलीफ हुए, इसलिए लक्ष्मी जी ने उसके नीचे भगवान नारायण को बैठा करके उसे छाया कर दी, महात्मा लोग ऋषि लोग बैठे, इसलिए बद्री अर्थात लक्ष्मी साक्षात पेड़ उसके नाथ बद्रीनाथ लक्ष्मीनाथ। तो ये लक्ष्मी जी सेवा में छह माह तो भोग मंडी में रहती है। अब वो बद्री वृक्ष नहीं दिखता तो हम अमृतम स्रवते याही, जहां से अमृत निकलता था, लेकिन आज भगवान को भोग ही अमृतम मानते हैं, जैसे हम भी पाते हैं यात्री भी पाते हैं। तो लक्ष्मी पचति नैवेद्यम भूंगते नारायण स्त्रियम, लक्ष्मी भोग मंडी में भोग बनाती है भगवान नारायण को और भोग अर्पण करती है। और जब छह माह का पाठ बंद होता है, लक्ष्मी जी को भगवान का अंकम है, भगवान के पास में रखते हैं तिलकम्बल के साथ, नारद जी पुजारी हैं, मंदिर के अंदर रहते हैं, नर नारायण स्त्री विग्रह मंदिर के अंदर रहते हैं, उद्धव जी पांडुकेश्वर चले आते हैं और कुबेर जी ये पांडुकेश्वर चले आते हैं, गरुड़ जी ये जोशीमठ चले आते हैं और भगवान को तपस्या में वहां रख दिया जाता है, भगवान देवताओं की तरफ पूजित होते हैं। जी, आज भी आपने हमारे दर्शकों के साथ बहुत सारी जानकारी शेयर की है, जिसने अपने बद्रीनाथ मंदिर के बारे में, उसके इतिहास के बारे में और जो तिथियां तय होती है और वहाँ पे कौन कौन सी विधियां होती है उसके बारे में आपने बहुत सारी जानकारी दी। हमें जान के बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों के साथ बहुत सारी जानकारी शेयर की। yatradham.org की तरफ से मैं आपका खूब खूब धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया मानसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूछा भगवान बद्रीनाथ जी के बारे में, प्रश्न हो तो भगवान के, धाम हो तो भगवान के, कारण हो तो भगवान के लिए, ये आपने भी एक लाभ लिया है भगवान के बारे में सोच के, हमें अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद। ये देखिए, एक मिनट। हाँ जी, आपको दिखाएं बद्रीनाथ की पहाड़ी में, जोशीमठ घर पे हूँ, सामने बर्फ पड़ा है, ये बद्रीनाथ की पहाड़ियां सब, ये सामने ये बद्रीनाथ की पहाड़ी, इसके ठीक पीछे बद्रीनाथ जी और ये हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, इस पहाड़ के पीछे हाथी पहाड़ बोलते हैं, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा और सामने की पहाड़ी जिसमें तीन चोटियां दिखाई दे रही हैं, इसके ठीक पीछे यहाँ पे काग भुसंडी है, जहाँ कवा गरुड़ की कथा की बात होती है, काग भुसंडी सामने ऊंची चोटी दिख के थोड़ा काले पहाड़ के पीछे, ये बरवल भारत की प्रसिद्ध चोटियों में है और ये सामने नंदा देवी वाला भाग है, ये तपोवन भविष्यवद्री नंदा देवी और ठीक इसके ऊपर ओली के भाग के पीछे दिखाई दे रहा है। जी, जय बद्रीशा, जय बद्रीशा, जय बद्रीशा।